नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम स्कॉर्पियन बाइट के बारे में जानेंगे। दो, स्कॉर्पियन बाइट हो जाने के बाद क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी लेंगे। रीअश्योरेंस, पेशेंट को रीअश्योरेंस यानी आश्वासन देना चाहिए। उन्हें बताना है स्कॉर्पियन का बाइट हार्मफुल नहीं होता है, हम हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं। पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होते रहता है जिससे वो डर जाता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे वेनम है वो बॉडी में तेजी से फैलने लगता है। इससे कंडीशन और भी ज्यादा वर्स्ट होने लगती है, इसलिए पेशेंट को शांत रखना जरूरी होता है। इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन मतलब हलचल न करना। जो भी बाइट साइट है उसकी मूवमेंट नहीं करना है। अगर जरूरत है तो कम से कम मूवमेंट करे। ये इसलिए करना है ताकि बाइट साइट का पॉइजन बॉडी में ना फैले। वॉश विथ सोप। स्कॉर्पियन बाइट होने के बाद सबसे पहले बाइट साइट को सोप के साथ वॉश करना है ताकि जो पेन है वो कम हो जाए। डिप द बाइट साइट इन कोल्ड वाटर। स्कॉर्पियन बाइट साइट पर बर्निंग पेन होते रहता है, उसे कम करने के लिए बाइट साइट को कोल्ड वाटर में डीप करना है, जिससे बर्निंग पेन एंड स्वेलिंग कम होता है। अप्लाई आइस। कोल्ड वाटर की जगह आइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आइस को डायरेक्ट बाइट साइट पर अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए एक कपड़े पर आइस डालकर वो कपड़े से अप्लाई करना है। आइस से भी बर्निंग पेन एंड स्वेलिंग कम होती है। एंटीहिस्टामिन। बाइट साइट के वहां पर इचिंग, अर्टिकेरिया, हाइव्स जैसे सिम्टम हुए हैं तो एंटीहिस्टामिन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना है। डोंट टाई बैंडेज टाइटली। स्कॉर्पियन बाइट होने के बाद पेन बहुत ज्यादा होते रहता है। पेशेंट को हॉस्पिटल लाने से पहले बाइट साइट पर टाइटली बैंडेज बांधते हैं, जिसका रीजन ये होता है कि पेन है वो थोड़ा कम हो जाए। बट जब बैंडेज को रिमूव करते हैं तो वहां का पॉइजन है वो फोर्सफुली सर्कुलेशन में एंटर करता है और पूरी बॉडी में स्प्रेड होने लगता है। ऐसा ना हो इसके लिए बैंडेज बांधना नहीं है। अगर जरूरत है तो बैंडेज को थोड़ा लूज रखें। हार्ट लेवल। बाइट साइट को हमेशा हार्ट के लेवल से नीचे रखना है ताकि जो भी वेनम है उसका एब्जॉर्प्शन रेट स्लो हो। रश पेशेंट टू नियर बाय हॉस्पिटल। आफ्टर स्कॉर्पियन बाइट पेशेंट को तुरंत ही हॉस्पिटल में लेके जाना है। स्कॉर्पियन स्टिंग बाइट हार्मफुल तो नहीं होता है, बट उसमें पेन ज्यादा होते रहता है। उसे मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल में लेके जाना है। टैप टेस्ट। जब एनिमल बाइट करता है उसके बाद झाड़ियों के कारण, पत्थरों के कारण या और भी कोई रीजन हो जिससे ये पता ना लगे कि किसने बाइट किया है, ऐसे वक्त डॉक्टर स्कॉर्पियन स्टिंग बाइट कंफर्म करने के लिए टैप टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में बाइट साइट पर डॉक्टर प्रेस करते हैं। अगर उसके बाद पेन बढ़ रहा हो तो ये कंफर्म होता है कि ये स्कॉर्पियन स्टिंग बाइट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस स्कॉर्पियन। जिस स्कॉर्पियन के पिंसर स्मॉल रहते हैं और टेल थिक होती है वो ज्यादा पॉइजनस होते हैं, और जिनके पिंसर बिग रहते हैं और टेल थिन होती है वो कम पॉइजनस होते हैं। प्रिकॉशंस। अगर हम स्कॉर्पियंस जहां है उस एरिया में रहते हैं या किसी अननोन प्लेस पर जाने वाले हैं तो क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिससे स्कॉर्पियन स्टिंग बाइट ना हो, इसके बारे में जानेंगे। वियर लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, फुल पैंट्स, ग्लव्स एंड लॉन्ग शूज। जब रेसिडेंसी स्कॉर्पियन के एरिया में है ऐसे वक्त लॉन्ग स्लीव के शर्ट्स, फुल लेंथ पैंट्स, ग्लव्स, लॉन्ग शूज को पहनना है जिससे प्रोटेक्शन मिले और स्कॉर्पियन बाइट के चांसेस कम हो जाए। शेकआउट शूज, क्लॉट्स। बैकयार्ड में अगर शूज रखे हो या क्लॉट्स हो तो उसे पहनने से पहले हिला के देखें। अगर उनमें स्कॉर्पियन है तो
तो वो हिलाने से निकल जाएंगे। यूज कॉशन व्हेन मूविंग वुडन लॉग्स कलेक्टिंग फायरवुड और लिफ्टिंग रॉक्स। जब वुडन लॉग्स को यहाँ से वहां मूव करना है, फायरवुड को कलेक्ट करना है या रॉक्स को उठाना है, उस वक्त ख्याल रखना है क्योंकि स्कॉर्पियंस उनमें हाइड कर रहते हैं। अगर ख्याल नहीं रखा तो पॉसिबिलिटी है वो बाइट कर जाए। डोंट हैंडल स्कॉर्पियन विथ बेयर हैंड्स। घर के आसपास अगर स्कॉर्पियन दिखाई दे तो उसे सीधा खाली हाथ से ना उठाए, किसी सब्सटेंस का इस्तेमाल कर उसे बाहर डाले। यूज टॉर्च आफ्टर इवनिंग। स्कॉर्पियन जहां है उस एरिया में रहते हैं तो शाम के समय के बाद टॉर्च का इस्तेमाल करें, ताकि गलती से स्कॉर्पियन को टच ना हो जिससे वो डरकर बाइट कर जाए। ड्यूरिंग कैंपिंग अवॉइड स्लीपिंग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। जब कैंप के लिए अननोन प्लेस पर गए हो तो पता नहीं रहता है वो एरिया में स्कॉर्पियन है या नहीं, इसलिए ग्राउंड पर डायरेक्ट सोना अवॉइड करना है ताकि सेफ्टी बनी रहे। आज के इस वीडियो में हमने स्कॉर्पियन बाइट के बारे में जाना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।